दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास मोटो G84 5G फ़ोन है तो उसमें आप डबल टैप ऑप्शन जो होता है उसे कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी स्क्रीन जब लॉक होती है तो दो बार टैप करेंगे तो स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी, और बंद होने पर अगर हम दो बार टैप करेंगे तो स्क्रीन हमारी जलने लगेगी, तो ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करनी पड़ेगी। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है डबल DOUBLE डबल। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक एक करके आपको बताते हैं कैसे करना है। दोनों ऑप्शन अलग होते हैं इसलिए इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत ही सरल होता है। यहाँ पर आपको जाना है जंप टू लॉक स्क्रीन। डबल लिखने के बाद जंप टू लॉक स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाई दे इस पर आपको टैप करना है। फिर यहाँ देखिए ब्लिंक हो रहा है नीचे, इस पर भी आपको टैप करना है, और यहाँ यूज जंप टू लॉक स्क्रीन इसको इनेबल कर देना है। ये हमारा पहला ऑप्शन ऑप्शन इनेबल हो गया। अब धीरे से बैक जाएंगे और यहाँ पर डबल लिखा रहने देंगे। यहाँ पर फिर से आपको जाना है पुट द डिस्प्ले टू स्लीप, इस पर आपको फिर से टाइप करना है, और फिर से यहाँ नीचे टाइप करना है ये जो पुट वाला ऑप्शन है इसको भी आपको इनेबल कर देना है। अब दोनों ऑप्शन हमारे जो है वो इनेबल हो चुके हैं। अब ये काम कैसे करेगा हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी स्क्रीन है वो जो हम लॉक कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए दो बार हम डबल टाइप करेंगे तो ये स्क्रीन वेक हो जाती है, और दो बार अगर हम इसको करेंगे तो स्क्रीन हमारी ऑफ हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए।